वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो है डिशवॉशर कैटेगरी से रिलेटेड, जिसमें मैं बात करूंगा LG डिशवॉशर के बारे में। कैसा ये डिशवॉशर है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिशवॉशर के ओवरव्यू के बारे में। 14 प्लेस सेटिंग के साथ ये डिशवॉशर देखने को मिलता है। 14 प्लेस का मतलब जो कि 14% जो मील कंज्यूम करते हुए जो यूटेंसिल्स वो यूज़ कर रहे हैं, उन सब यूटेंसिल्स को आप एक बार में डिशवॉशर में धो सकते हैं। देन बात करते हैं इसकी फिनिश की। तो प्लेटिनम सिल्वर एंड वाइट दो फिनिश में आपको डिशवॉशर देखने को मिलता है, और जो इसका प्लेटिनम सिल्वर वाला जो फिनिश है बहुत प्रीमियम लगता है, बहुत स्मार्ट लगता है वो। आप देखेंगे तो उसके बाहर से पूरा स्टेनलेस स्टील फिनिश के साथ आपको डिशवॉशर देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। 85 सेंटीमीटर का इसका हाइट आता है, 6 सेंटीमीटर का इसका विड्थ एंड 6 सेंटीमीटर का इसका आपको डेप्थ देखने को मिल जाता है। इसकी नॉइस लेवल की बात करूं तो 44 डेसिबल साउंड इस मशीन के अंदर आपको देखने को मिलता है, और ओवरऑल इसका मैं नेट वेट की बात करूं तो 49 केजी का टोटल आपको वेट देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं इसकी कंट्री ओरिजिन की। तो ये डिशवॉशर आपको मेड इन कोरिया से देखने को मिलता है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो भी अप्लायंस LG का जो मेड इन कोरिया वाला होता है, उसका जो क्वालिटी होता है बहुत सुपीरियर होता है। पहले बात कर लेते हैं डिशवॉशर के इंटीरियर के बारे में। तो टोटल दो बास्केट इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। बॉटम बास्केट जिसमें आपको अपना हैवीली सॉइल्ड डिशेज लाइक कुकर, कढ़ाई, पतीले, भगोने, पॉट्स एंड पैन्स आप इसमें रख सकते हो। प्लस इसका जो बॉटम वाला ट्रे है, उसके आप जो रैक्स आपको मिलेंगे वो सारे फोल्डेबल मिलेंगे, और ये वाला फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ LG के डिशवॉशर में देखने को मिलता है। तो अगर आपका जो बड़ा यूटेंसिल है जिसका आपको डायमीटर बहुत वाइडर है, वो आप इजीली इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। देन अपर बास्केट मिलती है आपके स्मॉल यूटेंसिल्स के लिए, लाइक आपका हो गया सॉसर, वाइन ग्लासेस हो गया, कप्स, प्लेट्स हो गई। अच्छा, इसका जो आपका ट्रे होता है, उस ट्रे का आप हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक आप इसमें जो पुश एंड पुल इसमें मैकेनिज्म लगा हुआ है, उस मैकेनिज्म के हेल्प से आप इसका हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन आप बात करते हैं इसकी कटलरी बॉक्स की। तो कटलरी बॉक्स इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, तो सारा कटलरी आप उसमें इजीली प्लेस कर सकते हैं। वॉशिंग के लिए 4 स्प्रे आर्म आपको इसके बॉटम वाले ड्रॉर के पास देखने को मिलता है, एंड आपका 2 स्प्रे आर्म आपको इसके अपर ड्रॉर के पास देखने को मिल जाता है। देन इसका फिल्टर आप इसके सबसे बॉटम पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें अपना जितना भी बड़ा फूड पार्टिकल है उसमें आप इजीली इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। देन सॉल्ट के लिए आपको चैम्बर मिलता है, जिसमें आप सॉल्ट का पूरा पैकेट आप उसमें डाल सकते हैं, जितना डिशवॉशर को रिक्वायर्ड होगा वो यूज़ करता है, और जब वो फिनिश हो जाता है तो डिशवॉशर आपको इंडिकेट करता है। देन डिटर्जेंट चैम्बर की बात करें, उसमें अपना डिटर्जेंट का टैबलेट या पाउडर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। रिनसेट का चैम्बर मिलता है, उसमें अपना रिनसेट लिक्विड आप डाल सकते हैं, तो जितना डिशवॉशर का रिक्वायरमेंट होगा वो यूज़ करके अकॉर्डिंगली वॉश करता है। देन वो ख़त्म हो जाता है तो मशीन आपको इंडिकेट करती है। टॉप पे बात करें तो एडिशनल शॉवर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आप यूटेंसिल्स के अच्छे से शॉवर इफेक्ट देखने को मिल जाता है। एंड पूरी बॉडी की बात करें तो स्टेनलेस स्टील बॉडी आपको टोटल मिलती है, तो आपका इसका जो बॉटम होता है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। जनरली डिशवॉशर में आपको वो फाइबर का देखने को मिलेगा। करते हैं 5 की रीजंस की, वो 5 ऐसे रीजन जिसके लिए आपको LG का डिशवॉशर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू स्टीम की। ट्रू स्टीम का LG के डिशवॉशर में आपको फीचर देखने को मिलता है, जिसमें डिशवॉशर स्टीम जनरेट करता है। स्टीम के थ्रू जितना भी आपका हार्ड स्टेन होता है, उसके अंदर आपको बिल्कुल पावरफुल क्लीनिंग देखने को मिल जाती है। इसके हेल्प से आपको लेस वाटर स्पॉट्स, जो वाटर के जो स्पॉट्स होते हैं जो आपके यूटेंसिल्स के ऊपर, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और हाइजीन केयर, लाइक जैसे बेबीज़ के बॉटल्स होते हैं जिनको हम लोग स्टरलाइज करते हैं, तो वो चीज़ आप डिशवॉशर के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
सेकंड की रीजन की बात करें तो LG क्वाड वॉश। जनरली डिशवाशर में आपने देखा होगा कि आपको दो स्प्रे आर्म की हेल्प से वहां पर आपको वॉशिंग देखने को मिलती है, बट LG के डिशवाशर में आपको 4 स्प्रे आर्म देखने को मिलेंगे जिनका मल्टी मोशन स्प्रे आर्म है। मतलब उनका जो मोशंस है वो मल्टी मोशंस है, वो आपका अप डाउन डायरेक्शन में भी मूव करता है प्लस मल्टी डायरेक्शनल। तो जो वाटर का जो स्प्रेड होगा, वाटर का जो फ्लो होगा वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। तो इवन कोने कोने में आपका यूटेंसिल्स के अंदर आपको अच्छे से वाटर स्प्रे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लीनिंग मिलेगी, बहुत बेटर मिलेगी। नेक्स्ट की रीजन की बात करते हैं इजी रैक प्लस। इजी रैक प्लस का इसके अंदर फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको इसमें जो अपर वाली बास्केट है उसमें पुश एंड पुल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जिसकी हेल्प से आप उसका इजीली हाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। प्लस इसका फोल्डेबल टिन के साथ आता है, तो जिसमें अंदर आप रैक्स देखेंगे वो भी प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, तो बड़ा यूटेंसिल आप उसमें इजीली प्लेस कर सकते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं इन्वर्टर ड्रैग ड्राइव मोटर। LG का सबसे फेमस सबसे पावरफुल ड्रैग ड्राइव मोटर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको बेल्ट एंड पुली का मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पर आपका साउंड, पावर कंजम्पशन और आपका जो वाइब्रेशन, ये तीनों चीज़ें कम हो जाती हैं इस मशीन के अंदर। बात करते हैं इसकी ऑपरेशन की, तो इसका ऑपरेशन आपको क्वाइट देखने को मिलेगा और आपको ये मोटर का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी रिलायबल ये मोटर होती है जिसके ऊपर कंपनी आपको टोटल 10 ईयर का वारंटी भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ की रीज़न की बात करें तो LG थिंक यू का इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाए। LG का थिंक यू ऐप के थ्रू आप डिशवॉशर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। डाउनलोड साइकिल का इसमें फीचर देखने को मिल जाएगा। इन फ्यूचर अगर कंपनी कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है तो आप थिंक यू की हेल्प से आप उस प्रोग्राम को डाउनलोड करके अपने डिशवॉशर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पर्सनलाइज सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, तो अपने सेटिंग अपने अकॉर्डिंगली अपने मोबाइल के थ्रू पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने डिशवॉशर को अपने अकॉर्डिंग आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मशीन क्लीन रिमाइंडर देखने को मिलेगा। जनरली क्या होता है डिशवाशर में आपको मैन्युअली रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आपको डिशवाशर कितने नंबर ऑफ वॉशेस के बाद आपको उसको क्लीन करना है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस थिंक यू ऐप आप मशीन आपको इंडिकेट करेगी, आप उसमें आपका डेज और वॉशेस का टाइमिंग आप सेट कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आपको रिमाइंडर आएगा, तो आप बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे कि आपको मशीन को कब प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है। लास्ट स्मार्ट डायग्नोसिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ एरर देखने को मिलता है, तो आप LG के कस्टमर केयर टीम को आप रिमोट पे लेके डिशवाशर को आप वहीं से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो जितना भी आपका उसका प्रॉब्लम होगा छोटा मोटा, वो आप रिमोटली डायग्नोस कर सकते हैं। इसके वॉशिंग प्रोग्राम्स की, तो ऑटो का वॉश प्रोग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका मिक्स लोड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर जो आपको वॉशिंग का टाइमिंग मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और मशीन जो वॉश करेगी वो 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर में वॉश करती है, और जो रिंस इसमें करेगी वो 70 डिग्री टेम्परेचर में मशीन रिंस करती है। और इस प्रोग्राम में आपको वॉश एंड ड्राई दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सेकेंड प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा इंटेंसिव वॉश का। तो बेसिकली ये हैवीली सॉइल डिशेज के लिए प्रोग्राम है, लाइक कुकर, कढ़ाई, पतीले, भगोने। इस प्रोग्राम के अंदर जो आपको टाइमिंग मिलेगी वो 3 घंटे 13 मिनट का टोटल टाइम मिलेगा, और ये स्टीम बेस्ड प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में मशीन आपका स्टीम भी जनरेट करेगी प्रोग्राम के बीच में। और जो वॉशिंग का टेम्परेचर की बात करूँ तो 75 डिग्रीज का वॉशिंग टेम्परेचर रहेगा, और जो रिंसिंग के दौरान जो टेम्परेचर मशीन करेगी वो 70 डिग्री करेगी। और इस वाले प्रोग्राम में आपको वॉश एंड ड्राई दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। प्रोग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डेलीगेट वॉश का। ये प्रोग्राम भी आपका स्टीम बेस्ड प्रोग्राम है, इसके अंदर भी मशीन आपका स्टीम जनरेट करेगी। और प्रोग्राम का जो टाइमिंग की बात करूँ तो 2 घंटे 16 मिनट का आपको ये प्रोग्राम है, जिसमें आपको मशीन वॉश करेगी 55 डिग्री टेम्परेचर में एंड रिंस करेगी 70 डिग्री टेम्परेचर में, और इसके अंदर भी आपको वॉश एंड ड्राई दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फोर्थ प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है रिफ्रेश का। अगर आपके पास कम गंदे बर्तन है तो आप रिफ्रेश का प्रोग्राम आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये भी स्टीम बेस्ड साइकिल प्रोग्राम है, इसके अंदर भी मशीन आपका स्टीम जनरेट करता है। और इस प्रोग्राम की मैं टाइमिंग की बात करूं तो 1 घंटा 16 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग होता है, जिसमें मशीन जो वॉश करेगी आपकी कोल्ड वॉश है, मतलब नॉर्मल पानी में मशीन इसमें वॉश करेगी, और जो रिंस करेगी वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड में रिंस करेगी। और इस वाले प्रोग्राम में भी आपको वॉश एंड ड्राई दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फिफ्थ आपको मिलता है इको। ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम है। अगर आपके पास समय है बर्तन धोने का तो ये प्रोग्राम आपके लिए रिकमेंडेड है। इस प्रोग्राम को लगाते ही मशीन इकोनॉमिकल मोड में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर वो मैक्सिमम पावर सेव करता है। और इस प्रोग्राम का जो टाइमिंग की बात करूं तो 3 घंटा 15 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग होता है, और मशीन जो इसमें वॉश करती है वो 42 डिग्री से 49 डिग्री टेम्परेचर के बीच में वॉश करेगी, और मशीन जो इसमें रिंस करेगी वो 54 से 65 डिग्री टेम्परेचर के बीच में वॉश करेगी। और इस वाले प्रोग्राम में भी आपको वॉश एंड ड्राई दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। देन सिक्स प्रोग्राम आपको मिलेगा इसमें टर्बो वॉश का। तो टर्बो वॉश के अंदर जो मशीन का जो टाइमिंग रहेगा वो 1 घंटा 40 मिनट का रहेगा,
और इसके अंदर मशीन 65 डिग्री टेम्परेचर में वॉश एंड 65 डिग्री टेम्परेचर में आपका रिंस करती है। बट इस वाले प्रोग्राम में आपको सिर्फ वॉश मिलेगा, ड्राई आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। सेवेंथ आपको मिलता है एक्सप्रेस वॉश। बेसिकली ये फास्ट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपका लाइटली सॉल्ट डिशेस के लिए, यानी कि अगर आपके पास कम गंदे बर्तन है तो आप इस प्रोग्राम की हेल्प से आप उन्हें वॉश कर सकते हो। इस प्रोग्रामिंग में आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो 38 मिनट का मिलेगा और 45 डिग्री टेम्परेचर में मशीन वॉश करती है एंड 60 डिग्री टेम्परेचर में मशीन रिंस करती है। इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ वॉश मिलेगा, ड्राई आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन एट आपको मिलता है मशीन क्लीन का प्रोग्राम। ये बेसिकली प्रोग्राम है मशीन को क्लीन करने के लिए। ये प्रोग्राम रिकमेंडेड है जब आप 40 वॉशेस आप कंप्लीट कर ले अपने डिशवॉशर के अंदर, तो आप ये प्रोग्राम को एक बार रन कर सकते हैं, जिसमें मशीन वॉश करती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में और आपका जो रिंस करेगी वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड में। एक घंटा 23 मिनट का ये टोटल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर आपका पूरा डिशवॉशर के अंदर जो भी आपकी कैविटी है पूरी नीट एंड क्लीन एंड ड्राई हो जाएगी। द नाइन्थ हम बात करते हैं रिंस। तो प्री रिंस का प्रोग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 18 मिनट का प्रोग्राम है, इसके अंदर आप रिंस करके छोड़ सकते हैं टेंसेस को, बाद में वॉश। हम बात करते हैं इसके तीन स्पेशल एफिशिएंसी ऑप्शंस के बारे में, जिसमें आपको पहला मिलेगा ड्यूल जोन का। कस्टमर के मन में एक कंसर्न रहता है कि जो मेरा जो डेलिकेट क्रॉकरी मेरा है और मेरा जो हैवीली सॉइल्ड मेरे जो बर्तन है, अगर मैं उसको एक साथ डिशवॉशर में वॉश करता हूं तो क्या मेरे डेलिकेट क्रॉकरी या मेरे डेलिकेट यूटेंसिल्स डैमेज तो नहीं होंगे? जी नहीं। LG के डिशवॉशर में आपको ड्यूल जोन का फीचर देखने को मिल जाए, जिसमें आप जितना बड़ा यूटेंसिल है वो आपने लोअर वाले बास्केट में प्लेस करना है और आपका डेलिकेट यूटेंसिल आपके अपर वाले बास्केट में, देन ड्यूल जोन का आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो बेसिकली मशीन का जो पेनिट्रेशन पावर है वो बॉटम वाली बास्केट में ज़्यादा होगा और जो अपर वाली बास्केट में कम होगा। तो बहुत लाइटली अपर वाली बास्केट के यूटेंसिल्स को मशीन वॉश करेगी और जो बॉटम वालों को बहुत इंटेंसली वॉश करेगी। सेकेंड आपको मिलेगा हाफ लोड। अगर आपके पास कम क्वांटिटी में बर्तन है और कम गंदे बर्तन है और आप चाहते हैं कि आपका डिशवॉशर अपना फुल एफिशिएंसी से वर्क ना करे, तो इस हाफ लोड ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप टाइम, एनर्जी एंड वाटर तीनों चीज़ें सेव कर सकते हो। थर्ड आपको मिलता है एनर्जी सेवर का। इसकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को इकोनॉमिकल मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका जो प्रोग्राम होगा वो एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा, डिशवॉशर आपका जो है एनर्जी सेव करेगा। आपको मिलते हैं इसके तीन परफॉर्मेंस ऑप्शन। तीन परफॉर्मेंस ऑप्शन में जो आपको पहला मिलेगा वो मिलेगा स्टीम का। स्टीम का साइकिल आप किसी भी नॉन स्टीम वाले प्रोग्राम में भी आप ऐड कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको स्टीम वॉश देखने को मिल जाएगा। सेकेंड परफॉर्मेंस ऑप्शन आपको मिलता है हाई टेम्परेचर का। तो इस साइकिल को भी आप किसी भी प्रोग्राम के साथ ऐड कर सकते हो, जिसमें आपका जो मशीन रिंस करेगी वो 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर पे आपका रिंस करेगी, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा हाइजीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा और आपको बेटर क्लीनिंग देखने को मिलेगी। थर्ड परफॉर्मेंस ऑप्शन मिलता है आपको एक्स्ट्रा ड्राई का। जनरली देखा गया है जो प्लास्टिक के यूटेंसिल हम लोग ड्राई करते हैं तो प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं हो पाती, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स्ट्रा ड्राई फीचर आप अपने डिशवॉशर का एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आपको जो ड्राइंग के रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा बेटर मिलेंगे। लास्ट में हम बात करते हैं इसके अदर ऑप्शन की। तो डिले स्टार्ट का इसके अंदर आपको फीचर देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने डिशवॉशर के अंदर 1 घंटे से लेकर 12 घंटे तक का टाइमिंग सेट कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वारंटी एंड सर्विसेज की बात करूं तो 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इसके ऊपर आता है और 10 साल इसके ऊपर मोटर वारंटी आता है।